सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्पिक ऑल इन वन। सो आ जाए हम श्रीनगर, एंड आज के इस व्लॉग में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ छठी पातशाह गुरुद्वारा साहिब के। तो बिना किसी देर के अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे आ गई है मेन एंट्रेंस, तो चलते हैं अंदर। सो मेरे साथ मेरी फैमिली भी आई है, तो ऑब्वियसली मैं अकेला तो आऊंगा नहीं, तो फैमिली के साथ ही आऊंगा, अकेला तो मैं आ नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर गुरुद्वारा साहिब है, कितनी साफ सफाई है यहाँ पर। सो दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करने। तो मेरे ख्याल से अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो यहाँ से इन्होंने मेरे को रोक लिया था बाबा जी ने। सो मैं यहीं से आपको दर्शन करा देता हूँ, तो आप कर लीजिए। सो दोस्तों ये नए गुरुद्वारा साहिब है यहाँ के। सो दोस्तों ये पुराना स्थान है, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेकोरेशन है यहाँ पर भी, एंड आप देख सकते हैं कि आसपास जो है कितनी पिक्चर्स लगी हैं। गुरु नानक देव जी की ये पिक्चर है, एंड आप ये देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स लगी हैं यहाँ पर। यहाँ आकर सुकून ज़रूर मिल जाता है, एंड इसका रास्ता भी जो है वो नए गुरुद्वारा साहिब के अंदर से ही आता है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्थान, ये वेल जिसका नाम वेल ऑफ नेक्टर है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जो पानी निकाल कर उसके छिट्टे जो हैं वो बीबी जी की आंखों में डाले थे, जिनसे उनकी दृष्टि वापस आ गई थी और उन्होंने दर्शन किए थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी के। एंड उसके बाद बीबी जी ने कहा था कि उनको इस दुनिया में इसके अलावा कुछ और नहीं देखना, तो उन्हें मुक्ति दे दीजिए, जिसके बाद गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें मुक्ति दे दी थी। यहाँ पर सारी संगतें जो हैं वो इस कुएं का पवित्र जल शक्ति हैं। सो दोस्तों अब हम चलते हैं सना की तरफ, जहाँ हमने रूम्स वगैरह लिए हुए हैं, एंड नीचे कार पार्किंग की भी जगह है, तो वहीं पे हमारी कार भी लगी हुई है। तो ये सना का मेन एंट्रेंस है गुरुद्वारे के एंट्रेंस के सामने ही बिल्कुल। सो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं, तो जो यात्री जो दूर से आते हैं वो यहाँ पर ठहरते हैं। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड, एंड वहाँ पे सामने स्ट्रेट साइड भी है, एंड ये पार्किंग साइड पे आगे आपको चल के मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रही पार्किंग राइट साइड पे, लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया यहाँ पार्क करने का कार्स। तो यहाँ से स्ट्रेट वहाँ पे सीधा लंगर हॉल है, जहाँ के तरफ हम रात को चलेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने रूम्स की तरफ ऊपर। सो यहाँ से हमारे सेकंड फ्लोर पे रूम है। एंड यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की लेफ्ट साइड पे जो है वॉशरूम्स वगैरह भी हैं, हर एक फैसिलिटी है यहाँ पर। सो ये वॉशरूम्स है, एंड यहाँ से ऊपर हमारा सेकंड फ्लोर पे रूम है। सेकंड फ्लोर का लास्ट रूम हमारा है, और एक और रूम है, आपको मैं चल के दिखाता हूँ ऊपर। सो ये मेन लॉबी आ जाती है, यहाँ पर हमारे दो रूम है, एक ये वाला साइड में रूम, एक ये रहा, एंड एक आगे वाली साइड वो लास्ट वाला जहाँ पर शूज वगैरह उतरे हुए हैं, अंदर फैमिली है मेरी। सो यहीं पे। सो दोस्तों किलो आराम के बाद अब हम नीचे आए हैं, और रात हो चुकी है यहाँ पर। सो लंगर जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा, मैंने रास्ता तो आपको पहले दिखाया था, एंड अब अंदर से भी दिखा देता हूँ पूरा। सो ये रहा लंगर हॉल। सो दोस्तों एक और चीज़, यहाँ का लंगर इतना ज़्यादा टेस्टी है कि जो चीज़ें मैं घर पे नहीं खाता था वो मैं यहाँ पर खा गया।
तो आप भी आइएगा ज़रूर, तो यहाँ पे रहिएगा, दर्शन कीजिएगा और लंगर छक के जाइएगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपने बर्तन। हेलो, पहले बड़ा शर्माते थे भैया फोटो खिंचवाते, आप नहीं शर्माते है ना? सो गाइस, ये रहा हमारा अपार्टमेंट। तो दोस्तों, इट्स द नेक्स्ट डे। सो अब हम जा रहे हैं काठी दरवाज़ा मार्केट देखने के लिए कि कितनी मार्केट है यहाँ पे, कितनी बड़ी मार्केट है। सो दोस्तों, ये है श्रीनगर का फेमस कहलाया जाने वाला काठी दरवाज़ा। तो अब यहां से चलते हैं उसकी दूसरी साइड जहां पर मार्केट होगी। अच्छा दोस्तों, ये देखिए मेरे लेफ्ट साइड बहुत बड़ी मार्केट। मार्केट किधर है? शायद से आगे मार्केट होगी, देखते हैं आगे चल के, देखते हैं शायद मार्केट आगे हो। वैसे यहाँ पे शॉप्स तो हैं, बट थोड़ी सी शॉप्स हैं, मेरे को लगा बहुत बड़ी मार्केट होगी कोई। सो आगे चल के देख लेते हैं, आगे भी लगता तो नहीं कि कोई मार्केट वगैरह दिख तो नहीं रही यहाँ से। सो दोस्तों, आगे गली स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ से हम रिटर्न चलते हैं वापस। तो दोस्तों, और भी आपके साथ में श्रीनगर के व्लॉग जो है, जैसे डल लेक का व्लॉग हो गया एंड बहुत सारे व्लॉग हैं मेरे पास, तो वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अप टू डेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक आए हैं। तो बिना किसी देर के अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो तक के लिए। सी यू एंड जय हिंद।